अमरकोट है, उत्तर पारकर, तो यहाँ पे इंडियन ऑक्यूपाई के अंदर ये दो दो तीन तीन साल रहे उस टाइम, इलाके तालके के दो तीन तालके है तो उसमें रहे। और फिर इंडियन फोर्सेस वापस गई और शिमला एग्रीमेंट हुआ और ये ज़मीनें भुट्टो साहब ने वापस ली। तो उसके बाद में जो चले गए, तो मेन पॉइंट ये है कि जो लोग जिनकी ज़मीनें थी और दुकानें भी थी, घर भी थी, तो वो लोग जो गए, तो फिर राणा साहब को और वीर अली बख्श तानपुर और अपना अब्दुल करीम पली साहब, गुलाम रसूल शाह जिलानी साहब, इनको भेजा गया कि भाई आप जो आदमी अब फौजें ही चली गई हैं और ये लोग यहाँ से जो माइग्रेट करके गए वहाँ पे, तो वहाँ पे वो कैंप्स में रखे गए, तो इनको आप लेके आए। तो फिर वहाँ पे जाके और लोगों को वापस लाए। कुछ लोग जो एक तो यहाँ से गए थे वो आ गए और दूसरे वहां से भी मुसलमान आए हमारे थरपारकर और इसमें। और वो जो जमीनें थी, जो खातेदार मेन थे, वो सोडा ट्राइब मेरी कॉम से थे, वो वहीं पे रह गए। और वो करीब बनती है करीब, वैसे तो थी 7.5 लाख एकड़ जमीन, एचड़े थल तक भी जमीनें थी वो। पर हुआ इसके बीच में ये है कि भुट्टो साहब 77 तक कोई 5 लाख एकड़ जमीन वापस ट्रांसफर हो गई थी, पर 2.5 लाख एकड़ जमीन भुट्टो साहब के बाद में जैसे ही ये मार्शल लगा, तो 2.5 लाख एकड़ जमीन एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी गई विद प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, वो वहीं पे रही। वो सिलसिला चलता रहा और जो लोग थे, मेन पॉइंट जो मेरा ये था, बड़े राणा साहब हमेशा उठाते रहे असेंबली में, मेरा ये था उठाना कि भाई जो लोग जिनकी खातेदार थे वो तो चले गए इंडिया, लेकिन उनको पीढ़ियों से उस जमीन को, पीढ़ियों से वहां का मकामी हाली खेड़ता रहा है, कल्टीवेट करता रहा है। ये कोई बारानी जमीन नहीं है, बारिश से है पर ये आबाद जमीन है। मेरे छाछरे जैसे शहर जो है, नगर पारकर जैसा शहर है, तालका हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पे उनकी जगहें थी। ये जगहें है जो मालिक चला गया तो उसके पीछे उनके मुलाजिम बैठे हुए, बानी सेठ चला गया तो उसके पीछे वो लोग दूसरे बैठे हुए हैं जो उनको घरों को संभाल के बैठे हुए हैं, दुकानें संभाल के बैठे हुए हैं। और जितना भी हाली तबका है जो राणा साहब इन्होंने कोशिश करके भुट्टो साहब के कहने से वापस लेके आए, वो खेल रहे हैं उस जमीन को। ये कोई ऐसा केस नहीं है कि भाई जो मोरोसी लोग यहाँ से थे और बाहर के लोग, बाहर के जाए हमारे खुद के, मेरे खुद के लोग गए, जमींदार गया है हाली बैठा हुआ, तो अब उनको दें। जो पीढ़ियों से हाली कर रहा है तो उसको जमींदार बनने की आप उसको दें, उसका खाता दें उसको। तो ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा और 1997 में एक ट्रेन आया और वो ट्रेन ये था कि हमारे चीफ मिनिस्टर थे गौश बख्श, गौश अली शाह, सॉरी गौश अली शाह डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर सिंध के थे, नून की नवाज शरीफ की में। उस टाइम मैं भी एमपीए था, पीर नूर मोहम्मद शाह साहब, इनायत अली शाह एंड अरबाब फैज मोहम्मद और मैं, तो हम चारों इकट्ठे हुए। मैंने इन तीनों को कहा कि अभी ये राइट टाइम है और
चल के रिक्वेस्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, और ये तीनों आज नहीं है मेरे साथ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये तीनों मेरे साथ में गए हैं, हम लोग गए हैं चीफ मिनिस्टर हाउस, और यही दरख्वास्त चीफ मिनिस्टर साहब को दी है। एंड राइट एंड देयर उनका बिल्कुल, उन्होंने गवर्नर को भेजी है, गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेजी है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस है, और उस टाइम प्रेसिडेंट थे ये अपने तारक रफीक तारक, प्रेसिडेंट के पास पहुंची। अब जैसे ही वहां पे प्रेसिडेंट के पास में पहुंची है चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट भाई इस ऑर्डिनेंस को लिफ्ट किया जाए, तो विद इन अ वीक गवर्नमेंट चली गई, और मुशरफ जनरल मुशरफ ने टेक ओवर कर लिया, जनरल साहब ने टेक ओवर कर लिया मुशरफ ने। पर आज भी ऑन द रिकॉर्ड, बहुत कम लोगों को पता है, ऑन द रिकॉर्ड आज भी जो फर्स्ट स्पीच नेशन को, फर्स्ट तकरीर जो मुशरफ साहब ने नेशन को की थी, उसके अंदर बाकायदा आपने ऐलान किया है, क्योंकि वो हमारी सिंध की तरफ से समरी पड़ी हुई थी, वहां पे वो साइन के ऊपर पड़ी हुई थी और गवर्नमेंट चली गई। फर्स्ट स्पीच में आपने तकरीर में कहा कि ये ऑर्डिनेंस मैं लिफ्ट करता हूं और ये जमीनों जमीन लोगों को दी जाए, दुकानें दी जाए, घर दी जाए। दिस इज ऑलरेडी ऑन द रिकॉर्ड। आज भी आप उठा के, अब ये आज के जमाने में तो ये कोई नई बात तो है कि आपको कोई जाके, आप सब विराजमान है और सब जो जो है दिन रात, मेरे ख्याल में एक अंगली तो गूगल पे होती होती है, तो मेहरबानी करके मैं ये खत्म कर लूँ तो फिर आप धोखा दे देना गूगल में, जब नहीं निकले तो सिर्फ फोन फोन करके मेरे को कह रहे हैं राणा साहब जी ऐसी फूंके नहीं दिया कर, मैं रख दूंगा फोन। तो बहरहाल आपने फर्स्ट हो गई बात, लेकिन यहां तक जब वो चीज पहुंची, सिंध तक जब वो पहुंची, तो आपने तो ऐलान किया था कि जमीनें गरीबों को मुफ्त में दी जाए, माना गरीबों को दी जाए, अलॉट की जाए, जो वहां पे बैठे हुए काश्तकार हैं उनको दी जाए। पर जब यहाँ पे सिंध तक पहुंची तो उसका नमूना ही चेंज हुआ हुआ था। सिंध गवर्नमेंट के पास में ये आया कि आप इनको अलॉटमेंट दें, मकान में हकूक दें इनको, ये दुकानें दें वगैरह दें, तो उस टाइम जो भी इनकी थी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं, हम लीज पे देंगे। वो कभी ना लीज हुई ना कभी दी गई। एक